इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि कैसे आप आईफोन में व्हाट्सएप चला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और टेक माय वे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास आईफोन 7 है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें व्हाट्सएप कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो किसी भी आईफोन में, किसी भी एप्पल के डिवाइस में कोई ऐप्स यूज़ करने के लिए आपके पास एप्पल आईडी होना चाहिए। तो सबसे पहले आप एप्पल आईडी बना ले, और उसके बाद आपको क्या करना है कि प्ले ऐप स्टोर को ओपन करना है। तो ये रहा ऐप स्टोर। जिस तरह से एंड्रॉयड में गूगल प्ले स्टोर होता है, उसी तरह एप्पल में ऐप स्टोर होता है। तो आपको सबसे पहले ऐप स्टोर ओपन करना है। तो ऐप स्टोर सबसे पहले आप ओपन कर लीजिए, ये रहा ऐप स्टोर। तो उसको मैं क्लिक करिए, ऐप स्टोर ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि ऊपर में जो है यहाँ पे क्लिक करके आपको एप्पल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लेना है। मैंने कर लिया है, तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि हमको क्या करना है। लॉग इन कर लेने के बाद आपको राइट साइड के नीचे में देखिएगा तो एक सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद ऊपर में आपको सर्च करना है व्हाट्सअप। तो लिखिए व्हाट्सअप, व्हाट्सअप लिख के सर्च कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा व्हाट्सअप मैसेंजर आ गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि राइट साइड में आपको एक छोटा सा आइकन दिख रहा होगा, तो वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। वहाँ पे क्लिक करने से आपका डाउनलोड शुरू हो जाता है। आपको गेट इट लिख के आ सकता है यहाँ पे, तो क्लिक कर दीजिए, यहाँ से हमारा डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम इसका डाउनलोड होने का इंतज़ार करेंगे। जब आपका डाउनलोड हो रहा होगा तो वहाँ पे देखिएगा एक ब्लू सर्कल बनता है। तो जितने देर तक सर्कल में ब्लू रहता है, वो पार्ट आपका डाउनलोड हो चुका है उतने परसेंट तक। और जब ये पूरा हो जाएगा, यानी कि पूरा सर्कल जो है ब्लू हो जाएगा, तो आपका जो है डाउनलोड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आप ब्लू होने का इंतज़ार करें, और उसके बाद आपको ओपन होने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हमारा यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक करके करना है ओपन। और ओपन करने के बाद जैसा हमारा आता है, उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू में क्लिक करना है, और उसके बाद इसके परमिशंस के अलाउ कर देना है। और सिंपली यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डाल देना है व्हाट्सअप का, जो आप डालते हैं, और उसके बाद आपको वेरीफाई करके जो है आप व्हाट्सअप चला सकते हैं जैसे आप नॉर्मली चलाते हैं। और अगर हम पीछे आ जाते हैं, बैक करके पीछे होम बटन क्लिक करके आ जाते हैं, तो जो सके दे सकते हैं हमारा व्हाट्सअप का आइकन आ चुका है। और अब हम व्हाट्सअप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, और अपना व्हाट्सअप जैसे हम रेगुलरली चलाते हैं चला सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो कि कैसे आप आईफोन में व्हाट्सअप चला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो आपके काम की होगी, अगर वीडियो आपके काम की तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ ग्रुप में। और ऐसे वीडियो में लाता रहता हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नई वीडियो मिलाऊँ तो आपको पता चल जाए। फिलहाल के लिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।